आज की यह वीडियो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के बीए फोर्थ सेमेस्टर की ये रिवीजन क्लास होने वाली है। जिन जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा कल परसों फिर आने वाले दिनों में है राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की और वो बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उनको वीडियो कम्प्लीट देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर दोनों इंक्लूडेड हैं और साथ साथ में मैं आपको मॉडल पेपर प्रस्तुत करूँगा कि कैसा पेपर आपकी परीक्षा में आएगा, उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार आने की उम्मीद है वो भी जानकारी मिलेगी। तो प्रूफ के तौर पे देख लीजिए बी आपका ठीक है, सेकेंड ईयर है, सेमेस्टर आपका फोर्थ है, 2023 के सेशन का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, प्रश्न पत्र का नाम आपका है ठीक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ठीक है, 75 नंबर का पूर्णांक मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मॉडल पेपर में मिल जाएंगी ठीक है। तो सबसे पहले खंड आ आएगा जिसमें आपको अधिकतरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश बताई गई कि कितने क्वेश्चन कैसे कितने शब्दों में करना है, उसके लिए कितने नंबर दिए गए हैं, इसको आपको जरूर पढ़ लेना है ठीक है और उसी हिसाब से आंसर करना है। तो अतिरिक्त उत्तर का जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, देखिए ये सब अतिरिक्त उत्तर क्वेश्चन है ठीक है, आपके पेपर में पिछले साल पूछे जा चुके हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की दो विशेषताएँ बताइए। आप प्लेटो कौन है आप लोग कहेंगे, तो प्लेटो एक जो है वो प्रमुख जो है ठीक है प्रमुख ठीक है समाजशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिज्ञ हैं और विद्वान भी हैं ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे अगला कि प्लेटो के आदर्श राज की विशेषताएं बताइए। तो प्लेटो के आदर्श राज जी या फिर न्याय सिद्धांत, इन दोनों में से क्वेश्चन पक्का फंसेगा, हो सकता है दोनों भी आ सकते हैं लेकिन दोनों को तैयार कर लीजिएगा, कोई ना कोई तो पक्का फंसेगा इस बार ठीक है, 100% तैयार कर लीजिए। अगला कि अरस्तु के अनुसार संविधान की परिभाषा दीजिए, मतलब अरस्तु जो कि प्रमुख विद्वान समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं इनके अनुसार संविधान की परिभाषा आपको बतानी ठीक है, तो भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और अगला प्रश्न है कि इक्विनास ने कानून की क्या परिभाषा दी थी, हालांकि क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है इसलिए इसको इग्नोर ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। तो जॉन लॉक एक प्रमुख विद्वान हैं और राजनीतिज्ञ हैं, इनफीरियर क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है, तो ध्यान से इसको टिक कर लीजिए, जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला कि बोंदा की क्रांति संबंधी विचार, तो बोंदा फिजड़ा एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, बोंदा जो है प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं और स्पेशलिस्ट हैं, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे तैयार कर लीजिए ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाब्स के अनुसार मानव स्वभाव की विवेचना, तो ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार आता है तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं इसको भी ठीक है, आप इम्पॉर्टेंट है आप पढ़ ही लीजिए, जब क्वेश्चन देखने हैं तो उत्तर इसको तैयार कर लीजिएगा गूगल पे या सीरीज में या फिर क्वेश्चन बैंक। अगला प्रश्न है कि समान इच्छा के सर्वपूर्ण लक्षण, तो ये क्वेश्चन बहुत कम आता है इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। ग्रीक के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा, तो ग्रीक जो कि प्रमुख विद्वान है इनसे जुड़ा भी क्वेश्चन एक आधा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक और मतलब कि एक और मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर में प्रस्तुत कर दे रहा हूँ ठीक है, एक ऊपर तो मैंने प्रस्तुत किया जो कि आपने देखा ठीक है, अब एक और आप लोगों की समस्त मॉडल पेपर प्रस्तुत कर दे रहे हैं जो कि अतिलघुत्तर से क्वेश्चन चालू है, ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी। मॉडल पेपर का जो पहला प्रश्न है वो है कि भैया प्लेटो के साम्यवाद का वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसको भी आपको तैयार कर लेना, प्लेटो से जुड़े करीब करीब 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ठीक है, और ये प्रमुख विद्वान और राजनीतिक समाजशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाफ्की के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए ठीक है, तो लाफ्की के राज्य संबंधी जो विचार हैं उनके बारे में लिखना है, भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका तो ध्यान रखेंगे ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए ठीक है, ठीक है तो हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार आता तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला कि हीगल के स्वतंत्रता संबंधी विचार कभी नहीं आता इसलिए इसको इग्नोर ही कर देंगे। अगला कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की विवेचना कीजिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन हालांकि आप इग्नोर ही कर देंगे, बहुत कम आता है। अगला कि बोंदा ने संप्रभुता की क्या क्या सीमाएं बताई, ये इंपॉर्टेंट है इसको तैयार कर सकते हैं। अगला कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए ठीक है, ये बहुत कम आता है। अगला कि इमा
नोएल कांट के विचारों का वर्णन कीजिए, भी क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे हम आप लोगों के समस्त, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आप लोगों के समस्त पूरा का पूरा मॉडल पेपर प्रस्तुत कर दिया, ताकि आपको ज़रा से भी समस्या ना हो, ज़रा से भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे कि दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न था, प्लेटो के शिक्षा संबंधित सिद्धांत की विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये भी कई बार आ चुका है। अरस्तु के क्रांति संबंधी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, तो अरस्तु से जुड़े करीब करीब दो क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे, नोट कर लीजिए कभी भी। ठीक है, अब ये भी आ सकता है, इसके अलावा अन्य भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है कि रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत पर एक विस्तृत वर्णन कीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न। बाद अगला प्रश्न है कि मैकियावेली आधुनिक युग के जनक हैं, विवेचना कीजिए, तो मैकियावेली भी एक प्रमुख विद्वान है। ठीक है, तो इनके आधुनिक युग के जनक है, इस बात का स्पष्ट करना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ओके, और एक और यूनिवर्सिटी का मैं मॉडल पेपर फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, ताकि आपको समस्या ज़रा से भी ना आए। ये भी 2023 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, हालांकि ये दूसरी यूनिवर्सिटी का है, और अभी जो पेपर दिखा रहा था वो दूसरी यूनिवर्सिटी का है, लेकिन क्वेश्चन कॉमन होते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी ली गई, दिख गई, मतलब दिख रही है आपको। ऐसे ही जब परीक्षा आप देने जाएंगे तो आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर देना होगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, ध्यान रखना। और तो उसमें बताते हैं, प्रश्न था कि भैया प्लेटो की प्रमुख रचना का नाम लिखिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेटो से जुड़े कई सारे क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बार भी आएंगे, आप सभी को मालूम ही है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब कि सेम टू सेम आने के नहीं चांस है, लेकिन अरस्तु से जुड़े क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। ठीक है, बोंदा की संप्रभुता, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट, इनको दो तैयार कर लीजिए अभी के भी। ठीक है, अगला है कि एकनिवास के राज संबंधी विचार, ये आता है लेकिन कम आता है। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू शक्ति का विभाजन है, तो मॉन्टेस्क्यू शक्ति का जो विभाजन है, ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपका जब भी पेपर होगा तो ध्यान से इन प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ मिलेगा उसकी जानकारी हम आपको दे दे रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तीन प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखा है, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय खंडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न रहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 3 ही रहते हैं। ओके, उसके बाद आपको जस्ट नीचे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन 10, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब कि जो वन लाइनर है, मतलब 85 शब्दों में आपको उत्तर देना है, बस ज़्यादा लंबा में नहीं देना। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुन लीजिएगा आप सभी, कि जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है, तो जिस भी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर पूरे नंबर देने पर विवश हो जाए। ठीक है, और इसी तरह इसमें हाब्स जो कि प्रमुख विद्वान है, फिर जुड़े भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें ऐसे ही देखने को मिलेगा, सेम टू सेम तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो बार बार आए हैं। ठीक है, और ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, मतलब कि ऊपर मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो उन सभी का जो उत्तर है वो आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि प्लेटो के साम्यवाद के अनुसार, ठीक है, उसके बाद प्लेटो की रचनाएं, द प्लेटो की रचना में द रिपब्लिक है, द स्टेट, ठीक है, स्टेट्समैन है, द लॉग है, ये प्रमुख इनकी रचनाएँ हैं प्लेटो की। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य वह है, जिस मतलब कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के बारे में क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा, फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हैं आप लोग। अगला है कि अरस्तु के अनुसार नागरिकता किसी स्थान पर रहने से नहीं आ सकती, अगर ऐसा होता तो विदेशी और दास भी नागरिक समझे जाते, कानूनी अधिकार मिलने से भी नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि कानूनी कार ठीक है, कानूनी अधिकार तो संधि या समझौते से किसी को भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसका उत्तर, इसी तरह जितने भी क्वेश्चन ऊपर दिए गए हैं उन सभी का उत्तर नीचे प्रस्तुत है। ठीक है, तो आप इसमें जो जो क्वेश्चन देंगे उनका उत्तर यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और इसके अलावा हमारे पास एक और महासंग्राम PDF है, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस की है, किस चीज़ की, हमारे पास एक है
बीए फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, कि आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर के ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार आपको सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास मैंने आपको जैसा बताया कि महासंग्राम पीडीएफ भी है, ठीक है, बीए जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर की है, ठीक है, और आपके किस चीज़ की है, पॉलिटिकल साइंस की है, तो आप उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का, तो उससे ज्वाइन हो जाइएगा ग्रुप से। ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें महासंग्राम पीडीएफ चाहिए बीए फोर्थ सेमेस्टर की, तो हम आपको तुरंत के तुरंत सेंड कर देंगे और लगभग लगभग प्रश्न उसी वीडियो से सब आएंगे। और ये भी वाली वीडियो महत्वपूर्ण, इसमें भी दिए गए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में, इस पीडीएफ में क्वेश्चन की संख्या जो है कम है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है और कई बार जो पूछे जा चुके हैं उनके बारे में डिस्कशन है। बाकी आपको हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जय हिंद।